आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा। वो ऊर्जा जो कभी क्षय नहीं होगी, यानी कभी खत्म नहीं होगी, जो निरंतर चलती रहती है। वो ऊर्जा जिसकी वजह से हमारा गांव, जिसकी वजह से हमारा शहर और जिसकी वजह से हमारा देश विकास के पथ पर निरंतर बढ़ता जा रहा है। आज हम बात करेंगे अक्षय ऊर्जा को लेकर। इसके मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं उसको लेकर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन इसका सबसे मुख्य स्रोत सौर ऊर्जा, इसके बारे में भी हम करेंगे चर्चा। और इस पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं। श्री रुचिन गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उप सचिव नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। इसके साथ ही हमारे साथ श्री संजय कर्णधार जी मौजूद हैं, वैज्ञानिक हैं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। अब दोनों का हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है। तो चलिए, हमारे जो दोनों खास मेहमान हैं उनसे आगे बातचीत होगी अक्षय ऊर्जा को लेकर। लेकिन अक्षय ऊर्जा की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, अक्षय ऊर्जा हमारी ज़िंदगी में किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, इसके लिए आपको एक छोटी सी फिल्म हम दिखाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, क्योंकि तभी आपको जागरूकता मिलेगी इस खास कार्यक्रम में। करोड़ों वर्ष पहले सूरज से अलग हुई धरती आज भी उसकी चाह में चक्कर पर चक्कर लगा रही है। अपनी प्रारंभिक अवस्था में ये धरती बेहद गर्म आग का गोला थी, यानी ऊष्मा का असीम भंडार। इसी ऊष्मा पिंड का ऊपरी भाग ठंडा हुआ, जीवन के अनुकूल परिस्थितियां पनपी तो सृष्टि की शुरुआत हुई। ये सत्य लिए हुए तथ्य है कि सृष्टि रचना का वो पल जब जीवन ने अंगड़ाई ली तो एक निर्जीव पड़े पिंड में गति आई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा के आधार सूर्य को विशेष महत्व दिया जाता है। भारतीय संस्कृति में सूर्य को देवता माना जाता है। सूर्य से जुड़े धार्मिक पहलू को यदि विवादास्पद भय मानकर छोड़ भी दिया जाए तो भी इसकी वैज्ञानिकता कतई नहीं नकारी जा सकती। आज सूर्य सचमुच ऊर्जा का देवता है, उसी के दम पर ही धरती जीवंत है। आज मनुष्य सूरज की गर्मी से पंप चलाकर खेतों में सिंचाई कर सकता है। सौर कोशिकाओं द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर वो उपकरण चला सकता है जो विद्युत चालित हैं। धुआं उगलती चिमनियां, भीमकाय विद्युत संयंत्र, तो वहीं धुआं भरी गांव की तपती रसोई, सबका जवाब है स्वच्छ ऊर्जा। कभी न चुकने वाली पर्यावरण हितैषी सौर ऊर्जा। मेक इन इंडिया अभियान के तहत देश भर में सोलर पार्क्स की स्थापना का बीड़ा उठाया गया है। इससे खेत खलियान की ऊर्जा मांग पूरी होगी तो पगडंडियां भी रोशन होंगी, मैदानी खेतों में जल की कलकल होगी तो पहाड़ों के बाग, सीढ़ीदार खेत, सुदूर सीमावर्ती चौकसी भी सौर ऊर्जा के दम पर होगी। जहां तक सूर्य से प्राप्त ऊर्जा की बात है, वो हमें जिन रूपों में प्राप्त होती है वो हैं ऊष्मा और प्रकाश। दोनों ही दशाएं पृथ्वी के वायुमंडल के लिए उपयोगी हैं और उसमें जीवन भरती हैं। ऊष्मा जब सूर्य से पृथ्वी की ओर आती है तो क्षीण होती जाती है, फिर भी गर्माहट का एक बड़ा अंश समाये रहती है। सूर्य से आती इस ऊष्मा का अधिकांश भाग पृथ्वी शोषित कर लेती है। इसकी जितनी अधिक मात्रा पृथ्वी शोषित करती है, तापमान भी उतना ही अधिक बढ़ता है। देश में गति पकड़ मेक इन इंडिया कार्यक्रम ने सौर ऊर्जा उपयोग को और भी ऊर्जावान बना दिया है। सरकारी रिपोर्ट बताती है कि देश में वर्ष 2022 तक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 1,00,000 मेगावाट के लक्ष्य को पार कर लेगी, जो 10,00,000 नए रोजगारों का सृजन करेगा। तो वहीं सौर ऊर्जा के उपयोग भर से 15,40,00,000 टन जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में बसने से रोका जा सकेगा। यानी सौर ऊर्जा पृथ्वी की बिगड़ी जलवायु को सुधारने में भी सहायक होगी। शर्मा जी का ये परिवार पड़ती बिजली के बिल की मार, ठंडे पानी से नहाकर हो जाता बीमार। पर सोलर हीटर जब से आया, गर्म पानी से नहाया, बिजली बिल घटाकर खुशियों का सीजन आया है। पूरी तरह
जरा सुरक्षित ना पड़ता जेब पे भारी। सोलर हीटर लगवा कर शर्मा जी ने की होशियारी। सोलर वाटर हीटर का प्रयोग आवासीय, होटलों, अस्पतालों और उद्योगों में तेजी से बढ़ा है। आज ही इसे लगाएं और ढेरों फायदे पाएं। तो देखा आपने अक्षय ऊर्जा हमारे लिए कितनी जरूरी है। अगर ये कहा जाए कि अक्षय ऊर्जा के बिना मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती तो ये भी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा को लेकर। गुप्ता जी, पहला सवाल आपसे, सौर ऊर्जा निश्चित तौर पर एक ऐसी ऊर्जा है जो कभी खत्म नहीं होगी, निरंतर चलती रहेगी, लेकिन देश में जलवायु विविधता को देखते हुए इसकी क्या संभावना है? भारतवर्ष काफ़ी सौभाग्यशाली है, वो एक ऐसे क्षेत्र में पड़ता है जहाँ पे सौर क्षमता काफ़ी अधिक है। अगर हम देश की बात करें तो हमारी सौर क्षमता लगभग 7,48,000 मेगावाट है। हाँ, निश्चय ही जलवायु विविधता के कारण अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग क्षमता है। जो मुख्यतः इसमें राज्य हैं वो है राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात। किंतु तभी भी समस्त राज्यों में ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और देखिए, विद्युत के साथ में तो एक सबसे अच्छी बड़ी बात है कि आप उसका उत्पादन एक राज्य में करके बड़ी सरलता से इसे दूसरे राज्य में ले जा सकते हैं। तो मैं कहूँगा हमारे देश में सोलर की संभावना काफ़ी अधिक है और इसका हम काफ़ी अधिक से अधिक रूप में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। हमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में भी सबसे पहले बताएं। जैसा कि नाम में ही विदित है, नवीन और नवीकरणीय, तो ये उन ऊर्जाओं से संबंधित है जो अभी तक परंपरागत रूप से प्रयोग में नहीं लाई गई हैं और वो ऊर्जाएं जिन्हें दोबारा नवीनीकरण, जिनको नया किया जा सकता है। आप इसको एलैबोरेट करें या ज़्यादा विस्तार में बताएं तो ये होगा कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा में वे सारी ऊर्जाएँ आती हैं जो प्रदूषण कारक नहीं हैं, जिनके ऊर्जा के स्रोतों का क्षय नहीं होता है या जिनके ऊर्जा के स्रोतों का पुनः भरण होता रहता है। और भारत सरकार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रोत्साहन एवं उसके बढ़ावा देने के लिए, उसके उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। और भारत शायद उन गिने चुने देशों में से एक है जहां नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक अलग से मंत्रालय कार्यान्वित है। अक्षय ऊर्जा की जरूरत क्यों पड़ी और इसका महत्व क्या है, इस बारे में भी प्रकाश डालें। ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं जैसे कोयला, गैस, पेट्रोलियम आदि, पहली बात तो ये है कि ये काफ़ी सीमित मात्रा में हैं और दूसरा, इनसे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। साथ ही साथ ये भी है कि जो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पन्न होती है उससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं को बढ़ावा मिल रहा है। इन्हीं सब कारणों से अक्षय ऊर्जा या फिर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा का महत्व और इसकी आवश्यकता निरंतर बढ़ रही है। मैं इसी संदर्भ में जोड़ना चाहूँगा कि जो हमारे पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं उनकी संभावनाएं सीमित हैं, उनका विस्तार सीमित है, ना केवल क्वांटिटी वाइज बल्कि एक अगर हम स्पेशल ज़मीनी तौर पर बात करें तो उनका विस्तार सीमित है। हम सब जगह पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों को नहीं ले जा सकते, तो तब हमें नए नए ऊर्जा के स्रोतों को तलाशना होगा और उसी संदर्भ में अक्षय ऊर्जा का महत्व अत्यधिक बन जाता है। सोलर थर्मल को लेकर भी चर्चा करना चाहूंगी क्योंकि इसके बारे में हमने अक्सर सुना है, लेकिन सोलर थर्मल आखिरकार है क्या, ये हमारे दर्शकों को बताएं। ये दो तरह की तकनीक होती हैं जी। एक होती है सोलर थर्मल और दूसरा जिसे हम कहते हैं सोलर फोटोवोल्टेइक। सोलर थर्मल को अगर हम समझें तो ये लगभग जैसे कोई कोयला या गैस बेस्ड संयंत्र है, लगभग उसी तरह होता है। कोयला या गैस बेस संयंत्र में वो कोयला या गैस है वो एक ईंधन का काम करती है और उस ईंधन से हम किसी द्रव्य को गर्म करके जो भाप निकलती है उससे हम टर्बाइंस को चलाते हैं और विद्युत का उत्पादन करते हैं जी। सोलर थर्मल में हम जो सोलर ऊर्जा है उसके ताप से द्रव्य को गर्म करते हैं और फिर उस भाप से टर्बाइंस चला के हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। जो दूसरी तकनीक है सोलर फोटोवोल्टेइक, वो इसके बिल्कुल विपरीत है। उसमें कोई टरबाइन नहीं होती है, उसमें खाली कुछ सोलर पैनल्स होते हैं जिसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और सूर्य की किरणें पड़ने के बाद में वो सीधे तौर पर सौर ऊर्जा विद्युत में
कन्वर्ट हो जाती है। सोलर पैनल्स को लेकर आपने यहाँ पर बात की है, तो पैनल्स को लेकर भी बहुत सारे मन में सवाल आ रहे हैं, वो जरूर मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगी, लेकिन उससे पहले अक्षय ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं संजय जी, वो हमारे दर्शकों को बताएं। जहाँ तक अक्षय ऊर्जा के मुख्य स्रोतों का सवाल है, तो इसमें जो मुख्य स्रोत हैं वो हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और बायोगैस, बायोमास, आजकल बायोडीजल या फिर जैव ईंधन पर भी काफ़ी काम चल रहा है, और जो कुछ ऐसे स्रोत भी हैं जिन पर इतना ज़्यादा, जिनकी अभी मतलब इसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो हैं जैसे हमारा टाइडल या फिर ज्वार भाटा से उत्पन्न ऊर्जा और जियोथर्मल, यानी कि इसमें जमीन के अंदर से गर्मी प्राप्त होती है, उससे जो ऊर्जा लेते हैं वो। चाहे बात हम सोलर एनर्जी को लेकर करें, चाहे हम हाइड्रो को लेकर करें, चाहे विंड को लेकर करें, लेकिन जो हमारे देश के लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऊर्जा के बारे में मालूम ही नहीं है, तो उन लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं, क्या कुछ कोशिशें आपकी तरफ से की जा रही हैं? हम चाहे तो टीवी के माध्यम से हो, चाहे अखबार के माध्यम से, या जो हमारे विभिन्न राज्यों में जो हमने एक नोडल एजेंसीज बनाई हैं उनके माध्यम से हमारा प्रयास है कि हम इसे जन जन तक इसको पहुंचाएं। दूसरा, हम कई प्रदर्शनी, कई सम्मेलन भी इस दिशा में कर रहे हैं, जहां पे कि अलग अलग राज्यों से लोग आके जो एक वार्तालाप में शामिल होते हैं, क्या क्या नई नई तकनीकें हैं, क्या क्या नई नई हमारे भारत सरकार की पॉलिसीज़ हैं, उसकी जानकारी पाते हैं। मैं चाहूँगा संजय जी थोड़ा सा कुछ कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताएंगे आप। दरअसल भारत सरकार का यह निरंतर प्रयास रहता है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा की जानकारी देश के जन जन तक पहुँचे। इस संबंध में भारत सरकार का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सूचना एवं लोक जन जागरण कार्यक्रम चलाता है। इसके तहत हर एक राज्य में जो नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक स्टेट नोडल एजेंसी होती है, भारत सरकार और उनके सहयोग से हम अपना जन जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं, जिसमें भारत सरकार की योजनाएं और क्या कहते हैं इसमें नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में जो भी तकनीकी विकास होता है या योजनाएं आती हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए, ताकि देश के आखिरी व्यक्ति तक इनकी सूचना पहुँचे। तो इसमें अलग प्रकार से जैसे प्रदर्शनियाँ, मेले, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबार इत्यादि में इश्तेहार से भी प्रचार किया जाता है, एवं और भी प्रचार के कई साधन हैं, जैसे होर्डिंग्स वगैरह लगाई जाती हैं, ट्रेनों या बसों में भी प्रचार के माध्यम से इसका प्रसार किया जाता है। ये तो बात हुई यहाँ पर प्रचार की, लेकिन आपसे जानना चाहूँगी जो हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे युवाओं के लिए क्या इससे रोज़गार भी उपलब्ध होंगे, इसके बारे में भी अगर आप जानकारी दे सकें तो। हमारी कुछ एक पर्टिकुलर स्कीम है जो कि खासकर युवाओं के लिए हम निकालने जा रहे हैं, जहाँ पे कि हमारे जो युवा वर्ग है, खासकर जो अभी अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो कुछ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में खुद से संयंत्र स्थापित कर पाए। किंतु जब एक बार वो पॉलिसी आ जाएगी तब उसका तभी बताना ज़्यादा सही रहेगा। वर्तमान में भारत सरकार का प्रयास है कि जितने भी सौर ऊर्जा के संयंत्र स्थापित हो रहे हैं, किसी तरह उसमें कुछ एक भागीदारी हमारे जो जिन्हें हम कहते हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर, यानी कि भारत में जो जितने उसके कारखाने हैं इस क्षेत्र में कार्य से जुड़े, उन कारखानों को कार्य मिले। तो जब इतने बड़े पैमाने पे आज 100,000 मेगावाट का 2022 तक का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने, तो जब इतने बड़े पैमाने पे संयंत्र स्थापित होंगे और उसका में कुछ परसेंट की भागीदारी हमारे घरेलू क्षेत्र की रहेगी, तो निश्चय ही उसका लाभ जो हमारे युवा वर्ग है, चाहे जो जितना भी शिक्षित युवा वर्ग है, उन तक जरूर पहुंचेगा। जी, यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो हमारे युवा हैं उनके लिए रोजगार के सुनहरे अवसर जल्द ही आने वाले हैं। पैनल्स को लेकर भी जैसे मैंने आपसे कहा था कि मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, जो पैनल्स तैयार किए जाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, क्या कुछ ऐसी योजना है आगे आने वाले समय में कि आपकी जो लागत है वो भी कम लगे और कम समय में पैनल्स तैयार हो जाएं? किसी भी तकनीक या उपकरण की कीमत बाजार निर्धारित करता है। आज अगर हम देखें तो लगभग 4 वर्ष पूर्व 1 मेगावाट का सोलर संयंत्र 17 से 18 करोड़ रुपए की लागत का आता था, वह कीमत आज घटके 6 से 7 करोड़ रुपए रह गई है। यह इसलिए संभव हुआ है
क्योंकि जैसे जैसे सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ा, उससे संबंधित उपकरणों का उत्पादन बढ़ा, उत्पादन बढ़ने से जो हम जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिला, और ना केवल नई नई तकनीकें का समावेश हो रहा है बल्कि कैसे उसमें एफिशिएंसी लाई जा सकती है उसकी तरफ भी ध्यान जा रहा है। तो वो जहाँ तक बात कीमत की है वो तो बाज़ार ही निर्धारित करता है जी। मैं संदर्भ में एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, आज भारत सरकार का प्रयास ना केवल इस तरफ है कि इस सौर ऊर्जा की कीमत को कम कराया जाए, अपितु ये देखने की तरफ प्रयास ज़्यादा है कि कैसे हम जो विभिन्न संयंत्र हैं या जो टेक्नोलॉजी है उसका ड्यूअल यूज़ कर सकें। जैसे एक उदाहरण देना चाहूँगा, आज हम जब एक सौर ऊर्जा संयंत्र लगाते हैं तो उसके लिए भूमि की आवश्यकता काफ़ी अधिक होती है। आज प्रयास ये है कि कैसे हम उस भूमि का ड्यूअल यूज़ कर सकें कि ऊपर तो हमारा सौर संयंत्र हो और नीचे हम कृषि का के लिए इस्तेमाल कर सकें। संजय जी, अक्षय ऊर्जा के मुख्य स्रोत के बारे में तो हमने आपसे जाना, हमारे दर्शकों को मालूम पड़ गया है, लेकिन रोजाना की जिंदगी में हम अक्षय ऊर्जा को किस तरह से हासिल कर सकते हैं इसके बारे में भी बताएं। देखिए, रोजाना के जीवन में अपने ऊर्जा के साधनों के उपयोग में थोड़ा सा बदलाव करके हम अक्षय ऊर्जा को अपना सकते हैं जी। जैसे कि मैं उदाहरण दूंगा, आमतौर पर पानी गर्म करने के लिए हम बिजली या गैस से चलने वाले गीजर या हीटर का उपयोग करते हैं। उसके स्थान पर यदि हम क्या कहते हैं सोलर एनर्जी या सौर वाटर हीटर का इस्तेमाल करें तो यह एक कदम हो सकता है। उसी तरह से हमारे अपने घरों में यदि हम प्रयास करें कि प्राकृतिक सूर्य प्रकाश का अधिकतम इस्तेमाल किया जा सके जी। तो उससे भी क्या कहते हैं बिजली की खपत कम होगी और सौर ऊर्जा को हम इनडायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे। दूसरा ये है कि हमारे घरों में जो ग्रिड से बिजली आती है उसकी खपत कम करने के लिए हम अपने घर की छतों पर छोटे सोलर फोटोवोल्टेक विद्युत संयंत्र लगा सकते हैं, जिससे हमारे घर के बिजली का बिल तो कम होगा ही, साथ में क्या कहते हैं पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने में बढ़ावा मिलेगा जी। और इसी तरह से सोलर कुकर एवं सोलर लैंटर्न का इस्तेमाल करके भी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हम अपने रोजाना जीवन में कर सकते हैं। हमारे देश में कई ऐसे गांव और कस्बे हैं जहां 24 घंटे बिजली नहीं आती है, तो वहां पर भी हम सोलर पैनल और इन्वर्टर बैटरी सेटअप के माध्यम से जब बिजली हो तो उसे आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि जहां जब सोलर पैनल यूज़ नहीं होता है तो इन्वर्टर में स्टोर करके फिर जब बिजली नहीं होती है तब उसका इस्तेमाल करते हैं जी। पर इसके बदले यदि हम सौर ऊर्जा से क्या कहते हैं बैकअप लें जब बिजली ना हो तो वो भी एक फ़ायदेमंद सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि कहीं कहीं तो जो डोमेस्टिक बिजली का रेट है आमतौर पर इंडस्ट्रियल या कमर्शियल के लिए इतना ज़्यादा है कि उसके कंपैरिजन में अगर आप सोलर पैनल से वही बिजली प्राप्त करेंगे तो वो सस्ता पड़ेगा, यानी कि इकोनॉमिकली भी वायबल होगा। अभी जिस तरह से आपने बात की यहाँ पर सोलर कुकर को लेकर, तो उसके बारे में भी आपसे चर्चा करना चाहूँगी, क्योंकि हम अभी भी देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम जाते हैं तो आज भी महिलाएं चूल्हे पर काम करती हैं वहाँ पर, और इतना पोल्यूशन होता है, उनकी सेहत खराब होती है। तो ग्रामीण महिलाओं की अगर हम बात करें तो ग्रामीण महिलाओं को किस तरीके से आप समझा रहे हैं कि किस तरह से वो ऊर्जा का इस्तेमाल करें या अपने घर में सोलर कुकर या उन्नत चूल्हा जो है उसका इस्तेमाल करें, इस दिशा में आप क्या कदम उठा रहे हैं? हम घरों की छतों के ऊपर सोलर पैनल लगा के जो हम आज एक ग्रिड से बिजली ले रहे हैं, ना केवल हम उसका इस्तेमाल कम कर सकते हैं किंतु हम और अधिक मात्रा में प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो मैं संदर्भ में बताना चाहूँगा, भारत सरकार ने 2022 तक जो सौर ऊर्जा से जो बिजली का लक्ष्य रखा है वो 100,000 मेगावाट का रखा है जी। इस 100,000 मेगावाट में से 40,000 मेगावाट जो घरों या विभिन्न इमारतों की छतों के ऊपर सोलर पैनल लगा के उससे विद्युत के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है जी। यह लक्ष्य तभी संभव है जब हम सभी इसमें आगे बढ़ के सहयोग करें, क्योंकि इसमें हम सभी को, चाहे तो हमारा मकान हो, कोई अस्पताल है, कोई गोदाम है, उनके ऊपर छोटे 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 संयंत्र लगे जाएंगे और जो कि ये बिजली में अपना सहयोग देंगे। तो मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि ये
इस क्षेत्र में आगे बढ़ें और हम अपने सभी इमारतों के ऊपर ये पैनल्स को लगवाने की तरफ कदम बढ़ाएं। पैनल्स की आपने जिस तरह से बात की तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों को शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि जो हमारे उपकरण होते हैं ये सब, वो हमें कहाँ से उपलब्ध होंगे, तो इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। जहाँ तक बात अगर हम घरों की छतों की बात कर रहे हैं जी, तो इसके लिए हमारे मंत्रालय ने अभी एक, जिन्हें हम चैनल पार्टनर्स कहते हैं, बहुत सारे ये उपकरण लगाने वालों को हमने ऑथराइज कर रखा है। बाकायदा एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, उसके बाद में हम कुछ लोगों को चैनल पार्टनर्स बनाते हैं। तो कोई भी जिसे इस तरह के संयंत्र का व्यवस्था करानी है अपने मकान या घर की छत के ऊपर, वो हमारे मंत्रालय की वेबसाइट से ये जो एक चैनल पार्टनर्स की लिस्ट है वो देख के आगे उसमें भर सकता है। जहाँ तक बात बड़े प्रोजेक्ट्स की है जी, तो उसके लिए तो आज घरेलू क्षेत्र भी काफ़ी आगे बढ़ गया है, वो भी काफ़ी संयंत्र बना रहा है और उसका काफ़ी हम इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। जहाँ तक सर ने अभी बात की, क्या कहते हैं, अपने लोगों द्वारा अपने घर की छतों पर छोटे सोलर फोटोवोल्टैक संयंत्र लगाने के विषय में, इस बारे में मैं और ये बताना चाहूँगा कि मंत्रालय ने कुछ बैंकों के साथ सहयोग करके यह प्रावधान किया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर की छत पर सोलर फोटोवोल्टेक ग्रिड कनेक्टेड प्लांट लगाना चाहता है तो उसके लिए जो बैंकों से उसे लोन मिलेगा वह उसी रेट पर मिलेगा जो आमतौर पर होम लोन या होम इम्प्रूवमेंट के लिए मिलता है, तो इससे लोगों को बड़ी राहत हो जाएगी। सिलिकन सौर कोशिकाओं का जो यूज़ है वो आजकल ज़्यादा हो रहा है, अपेक्षा अगर हम बात करें कैडमियम की अपेक्षा, इस बारे में भी बताइए। आज कैडमियम जो है वो एक जहरीला पदार्थ है जी, तो कैडमियम से बने हुए सोलर सेल या सोलर पैनल अपने उपयोगी जीवन काल के पश्चात उसमें से जहरीले कैडमियम का रिसाव का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए अधिकतर प्रयास यही है कि ऐसे किसी भी तकनीक का इस्तेमाल कम से कम हो जो कि हमारे पर्यावरण के लिए खतरा बना रहे। जिससे गुप्ता जी आपसे जानना चाहेंगे कि आम जन के लिए सोलर एनर्जी का उपयोग किस हद तक कारगर है? देखिए, सौर्य ऊर्जा एक हरित ऊर्जा है जी, और स्वच्छ पर्यावरण तो सभी के लिए है। दूसरा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि घर घर में बिजली पहुँचाना, वो बगैर सौर्य ऊर्जा के इस्तेमाल के संभव ही नहीं है। आज भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, चाहे तो कुछ पहाड़ी इलाकों में या और दूर दराज के गांव में, जहां पे हम अपनी विद्युत वितरण प्रणाली को इतना सुदृढ़ नहीं कर पाए हैं कि हम बिजली की व्यवस्था कर पाएँ। उन क्षेत्रों में भी आज हम चाहे तो सोलर लालटेन के द्वारा या जिन्हें हम कहते हैं ऑफ ग्रिड सौर संयंत्र, उनके द्वारा हम प्रकाश और बिजली की व्यवस्था करा रहे हैं जी। जहाँ तक बात सोलर हीटर या सोलर गीज़र का प्रचलन तो काफ़ी अब हो ही गया है और उसका इस्तेमाल काफ़ी बढ़ गया है, तो मैं कहना चाहूँगा कि सोलर के बगैर आने वाले कुछ वर्षों में सोचना भी मुश्किल हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी आप दोनों ने, आप आए, इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन दर्शकों, अभी आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि अभी आपके लिए भी है हमारे पास एक सवाल जो हम आपसे पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। अक्षय ऊर्जा को अपनाएं, देश को स्वच्छ, सुंदर और खुशहाल बनाएं। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में, और अब बारी आपसे सवाल पूछने की। हमारा आज का सवाल है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से राज्य में हो रहा है? आप अपना जवाब हमें इस पते पर लिखकर भेजिए। हमारा पता है अक्षय ऊर्जा, कमरा नंबर 622,
दूरदर्शन भवन, टावर बी, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। भाई कंप्यूटर क्रांति का जमाना है, ऐसे में अगर आप करना चाहते हैं हमसे तालमेल तो करिए हमें ईमेल। हमारी ईमेल आईडी है akshayurja.ddk@gmail.com। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में फिलहाल इतना ही। अगले शनिवार सुबह 8:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।